हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक के बारे में। और आप सभी के बारे मुझे काफ़ी मैसेज मिलते हैं, तो अभी जुड़ रहे हैं तो तब तक मैं अपनी ये इसको सेटअप कर लेता हूँ। मैरी 10 दोस्त जुड़ चुके हैं, 21। आज 15 अगस्त है और अपने भारत का आज़ादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे है। इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी ऑडियो बुक के बारे में बात करेंगे। तो कई मित्रों के मैसेज और कमेंट्स मिलते हैं, मेल मिलती है, तो लाइव के लिए भी बोलते हैं। तो आज समय है, टाइम है, छुट्टी है। मैं भी 1 मिनट। कहाँ चले गए मेरे वीडियो? गुड मॉर्निंग हरिओम पटेल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शिवम सिंह, ईट दैट फ्रॉग। हाँ, किताबों की तो आज करेंगे बात। तो आज तो छुट्टी है, सभी घर पे होंगे जिनकी ड्यूटियां नहीं लगी है, और कुछ मित्र जा रहे होंगे अपना इंडिपेंडेंस मनाने के लिए अलग अलग संस्थानों में, जगहों में। तो अभी 10:30 हो गया, कुछ लोग आ भी रहे होंगे और कुछ नहीं। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? जी नमस्कार, तन्मय जोशी जी नमस्कार। अजय LLB सर, क्या कर रहे हो? बस आप कर रहे हैं और कुछ नहीं, आज केवल आपसे बात करने का मूड है। बार बार ना डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, किस वजह से। ओ थैंक यू, आवाज़ सही आ रही है। चलिए, तन्मय जोशी जी कह रहे हैं आवाज़ सही है, तो ठीक है जी। राधे राधे जी। निशांत टाक जी कह रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। आप से मना रहे हैं आज़ादी का दिन जी। मोहसिन बोरा जी कह रहे हैं अभी कैसे मना रहे हैं, बस आपसे बात करके मना रहे हैं। स्कूल में फंक्शन था तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई जोर से बोलो जी। कौशल यादव जी, जी मैं जोर से बोलूँगा सर, नई बुक नहीं आ रही, आएगी, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। और जी सर, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है ऑडियो बुक के समरी में, बट थोड़ा मोटिवेट होकर रिकॉर्ड कीजिए। आ राकेश गुप्ता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, वॉइस ओके है, ठीक है, फ्यूचर इज हेयर। अमित JSW जी, वॉइस ओके है जी। 1 मिनट में ना इसका चार्जर मंगवा लेता हूँ, तो शायद मुझे चार्जिंग की प्रॉब्लम है इसमें या क्या दिक्कत है पता नहीं, बार बार इसको रिज्यूम करना पड़ रहा है। सर आपकी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी सबसे बढ़िया बुक है जी, थैंक यू। ये तो जिन्होंने लिखी है उनकी बढ़िया है। तो एक ना कई चैनल हैं जो हिंदी ऑडियो बुक के चैनल हैं, वो ये रहता है कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, 50,000, किसी के 10,000 है, किसी के 20,000 हैं, लेकिन व्यूज़ के बारे में, तो व्यूज़ का तो ये सही से कीवर्ड यूज़ करेंगे ना, और कीवर्ड को तीनों जगह चारों जगह प्लेस करेंगे, जैसे एक या दो, मैक्सिमम 5 कीवर्ड एक चैनल के होने चाहिए बस, उससे ज़्यादा कीवर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जो गूगल है वो ओवर वॉमिटिंग ऐसा मानता है।
अमित कुमार खरब जी कह रहे हैं सर मेरा नाम लीजिए। जी अमित जी बिल्कुल सर, मेरा नाम अमित कुमार खरब जी। जी कुशाल यादव जी सर बिजनेस बुक्स, सर बिजनेस बुक्स आएगी जी। हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग सर, नेटवर्किंग पे बुक लाइए जी। संजय राठौड़ ये ना बार बार रिज्यूम हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम है सर आप इमेज एंड आइकॉन का यूज़ करके शॉर्ट वीडियो समझाएं, आपकी वॉइस बहुत क्लियर रहती है ऑडियो बुक में। हाँ उसमें अच्छा है, और भी रिकॉर्डिंग के बारे में भी पूछते रहते हैं मित्र लोग कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो सिंपल है, रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई अलग से कोई स्टूडियो या ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप एक बंद कमरे में और बड़ा सा कंबल ओढ़ के, जैसे हम तंबू बनाते हैं ना, तंबू टाइप बना के और उसके अंदर रिकॉर्ड कीजिए, इको की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। संतोष नायर जी की बुक का रिव्यू करो। संतोष नायर जी सही कहा, मैं बहुत सुनता हूँ संतोष नायर जी को और फैन हूँ उनका, बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। तो संतोष नायर जी को आप भी सुनते होंगे, नहीं सुनते हैं तो आप एक बार सुन के देखिए, अच्छा लगेगा। बढ़िया तरीके से वो समझाते हैं हर बात को और बढ़िया मोटिवेशन गुरु है। सर ऑडियो बुक में क्या आप अपनी वॉइस में बनाते हैं? जी हाँ, ऑडियो बुक मेरी वॉइस की होती है, उसको रिकॉर्ड करके, और अब कई चैनलों पे वो है तो अच्छी बात है, आप कहीं भी उनको सुन सकते हैं, काफ़ी सारे 10-12 चैनल है जो अपलोड करते रहते हैं, तो ये बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, अंकित यादव जी। जी थैंक यू, बुक तो उनकी है जिन्होंने लिखी है। आपका सिटी सिरसा हरियाणा, के इलेक्ट्रिक कंपनी एजेंसी पूछ रहे हैं कि सिटी कौन सा है। सिरसा है हरियाणा भाई, एटॉमिक हैबिट की फुल वीडियो डालो जी। इंडियन दोस्त बोल रहे हैं कि फुल बुक डालिए जी, फुल रिकॉर्डिंग हो रही है तो, और लेकिन यूट्यूब पे ना थोड़ा आजकल फुल वीडियो डालने पे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो मुझे नहीं सभी को आ रही है, ये पॉलिसी की वजह से है, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ मिला है कुछ अभी। सर आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है? अच्छा नाम नहीं पढ़ पाया मैं। हाँ ऑफिशियल वेबसाइट तो है, हिंदी ऑडियो बुक डॉट कॉम है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा अभी, पहले वो वर्डप्रेस पे थी लेकिन अभी उसको ब्लॉगर पे एक टेम्परेरी लगाया हुआ है, पोस्ट भी नहीं कर पाया हूँ मैं जी। टेलीग्राम भी है, हाँ टेलीग्राम का भी ये बुक्स को लेके ना कॉपीराइट चक्कर, इस चक्कर को लेके एक नोटिफिकेशन उन्होंने भी दिया है, तो उस पे भी एक दिक्कत ही आती है। बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में मना किया हुआ है, आप सभी मित्रों ने कहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाइए, तो मैंने किसी भी बुक में नहीं, में एक दो में लगाया था तो वो हटा दिया है। टेग ट्यूब लिखते हैं के भी बैकग्राउंड म्यूजिक, यू आर टू गुड, थैंक यू शुभम जी। पारस सिंह जी सर बुक पढ़ते हैं आपको क्या लाभ हुआ? भाई किताबें पढ़ने से ये हो कि बहुत सारी चीज़ों का पता लगा है और मोटिवेट रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जब तक पढ़ते रहें तो ठीक रहता है, और जब बुक्स को छोड़ दिया कुछ दिन निकल गए तो फिर वो मोटिवेशन थोड़े धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो इसके बारे में संतोष नायर जी ने भी बताया है और उन्होंने कहा है कि जब तक बिना पर्पज के बुक्स पढ़ेंगे तो उस वो ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। ने नहीं होता है क्या? मैं समझा नहीं, इंडियन दोस्त ने नहीं, ने होता है, चलो मैं नहीं समझ पाया हूँ सर। इंग्लिश ऑडियो बुक भी बनाइए संजय कुशवाहा जी। इंग्लिश ऑडियो बुक्स बहुत सारी हैं, हर
लगभग आप मानिए 90% बुक्स इंग्लिश में ऑडियो बुक में रिकॉर्ड करके, और कई चैनल हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपलोड अपलोड किए हुए इंग्लिश चैनल हैं, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश उसके लिए हमें समझ में भी आनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको इंग्लिश में भी करें ना बुक को रिकॉर्ड, तो उसका क्या है, उसकी जो भावना जो है राइटर की वो नहीं समझा पाते, क्योंकि जब तक अच्छे से बोलने वाले को इंग्लिश नहीं आएगी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो वो उसको हम समझा नहीं पाते, उसको हम रिदम नहीं दे पाते बुक को। इस ने इसको ने प्रोनाउंस करते हैं और इसको ने ना, अरे काफ़ी बोलते हैं सर जी आप, ने को ने पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, इसको सुधार करेंगे। थैंक यू जी, इंडियन दोस्त जी आपने बताया। हेल्थ के लिए बुक्स बताएं सर, स्मार्ट इंग्लिश जी। हेल्थ के लिए तो एक तो मॉर्निंग कौन सी है, 5 o'clock ऐसा, 5 AM क्लब ऐसा एक बुक है, हाउ मूड माई चीज बुक ऑडियो इन हिंदी, ये प्रथमेश टेमकर। आप कहाँ से हो शुभम जी? मैं सिरसा जिला है मेरा और हरियाणा से हूँ। तो जो आप कहाँ से हो, सिरसा हरियाणा, सर प्लीज अपलोड हाउ टू एनालाइज पीपल जी। आज सभी ने इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई मित्र अगर बताना चाहता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, आज़ादी का पर्व कैसे मनाया सभी ने। ये मैसेज बंद हो गए हैं, मेरे पास अभी मैसेज शो नहीं हो रहे हैं किसी के, नहीं पता क्यों नहीं हो रहे हैं। स्क्रीन पे एक भी मैसेज नहीं शो हो रहा है, और इसको मैं वेलकम टू सर, ये अमीर बनने की बुक वक्कासी इफेक्ट करती है, वक्कासी इफेक्ट मतलब मैं समझा नहीं सर। आई एम एट जॉब नाउ, संजय राठौड़ जी। हाँ राठौड़ जी आप जॉब में हैं इंडियन दोस्त सर, आपकी शादी हो गई? हाँ भाई शादी हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे, मेरी बेटी बीएड कर रही है और बेटा 10+2 में है, पढ़ रहा है हरियाणा बोर्ड से। और नरेंद्र सिंह निषाद, रॉबिन शर्मा सर की बुक्स के लिए भी ऑडियो बुक बनाइए। हाँ वैसे रॉबिन बुक, रॉबिन शर्मा की बुक्स काफ़ी चैनलों पे है अवेलेबल, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। और बहुत जो क्रिएटर हैं वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं ऑडियो बुक्स पे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको समरी में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनको भी हम सुन सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई बुक, अंकित यादव जी, ट्रांसपोर्टर्स के लिए बुक, एक तो बुक है जो डेल कार्नेगी की बुक है, उसको मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ उसका, कोई मित्र बताएंगे तो। डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, हाँ लोक व्यवहार बुक हर किसी के लिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर बिजनेस के लिए, चाहे हम कुछ भी करते हैं उसके लिए। अगर हम रिश्ते करवाने का भी काम करते हैं तो लोक व्यवहार की किताब तो सबको पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। मनोज कुमार पांडे जी नमस्ते, कैसे हैं आप, आजकल कहाँ है मनोज जी? पोदार सर, ऑटोमेटिक हैबिट कंटिन्यू कीजिए ना सर जी। गुरुदेव जी करेंगे, गुरुदेव पोदार जी लिख रहे हैं कि ऑटोमेटिक हैबिट को कंटिन्यू कीजिए जी। बिल्कुल करेंगे,
इसको कर ही रहे हैं, और बस ये थोड़ा मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ कुछ दिन से, तो बीच बीच में रुक जाता हूँ। और एटॉमिक हैबिट की जो उसमें जो चीज़ें बताई गई है, उसमें कहा गया है कि भी आप कंटिन्यू रखिए अपने काम को, कोई भी आदत है, कोई भी हैबिट है, उसको डेवलप कीजिए। तो मैं भी उसको कोशिश कर रहा हूँ भी उस के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं डिसकंटिन्यू कर जाता हूँ बीच बीच में किसी काम की वजह से। और चैट कनेक्शन थोड़ा कनेक्शन लूज है, उस वजह से कनेक्शन नेटवर्क की वजह से भी ये मेरा डिसकंटिन्यू हो रहा है बीच बीच में। हाँ, तो मैं आज एक बात कर रहा था कि अपने कुछ मित्र है जो कह रहे हैं भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो व्यूज़ के लिए ना, एक तो जब भी कोई हम चैनल शुरू करते हैं तो उस चैनल के लिए हमें कीवर्ड और एक सेगमेंट चुनना होता है, एक कीवर्ड सेट करना होता है। मैक्सिमम 3, 4 या 5 आप कर सकते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे अपने जो चैनल है उसका पता नहीं लगेगा किस बारे में। जैसे मेरा चैनल है, जैसे ये जो चैनल है हिंदी ऑडियो बुक, तो इसमें नाम से क्लियर हो जाता है, और मैं कोई भी टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखता हूँ तो वो भी उसमें भी ये आ रहा है, हिंदी ऑडियो बुक हर जगह लिखा होता है। और जो हम उसमें हैशटैग लगाते हैं वीडियो में, उसमें भी हिंदी ऑडियो बुक आप नाम में लिखता हूँ। तो आप एक मिनट, तो अभी सुपर चैट से 244 रुपये मुझे शो हो रहा है, इसके लिए थैंक यू। जिन मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ जिन्होंने किया है, उसका उनका बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद, जो आपने ये सुपर चैट के द्वारा एक राशि आपने दी है, तो थैंक यू इसके लिए। अभी 527 हो गई है ये बढ़ के, और काफ़ी दोस्त हैं जो मैं इसको मतलब चैनल को प्रमोट करने के लिए भी ये कर रहे हैं, तो अच्छी बात है मुझे और अच्छा लग रहा है, थैंक यू। ये तो आपका प्यार है जो, और एक सहयोग का, एक लविंग जो उसको पेश करने का, उसको दर्शाने का एक बहुत सारे तरीके हैं, तो आपने ये किया, थैंक यू इसके लिए, और अच्छा लगा जी। सुपर चैट मैंने अभी इसको चालू किया है इसी लाइव में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चैनल की, तो चैनल में जब व्यूज़ की बात है, व्यूज़ के लिए एक पहली बात तो है कि एकदम से कोई व्यू नहीं आते हैं। मैं ये ऑडियो बुक को 3 साल हो गए मुझे, 3 साढ़े 3 साल हो गए इसको मैं बना रहा हूँ, तो पहली 1,000 सब्सक्राइबर होने में मुझे 10 महीने का समय लगा था। 10 महीने में जाके 1,000 सब्सक्राइबर हुए थे, और जब 10 महीने के बाद अगले 10,000 सब्सक्राइबर होने में 8 महीने लगे, और 10,000 से 1 लाख पर पहुंचने के लिए मुझे लगे लगभग 7 या 8 महीने ही उसमें उतने लगे थे। तो एकदम से नहीं होता है ये, एक ग्रोथ रेगुलर और डेली प्रैक्टिस से इसमें ग्रोथ आती है, लेकिन कीवर्ड का सबसे ज्यादा रोल रहता है, कीवर्ड्स का सबसे बड़ा रोल इसमें रहता है। कीवर्ड सही से चुनिए, अपने सेगमेंट के हिसाब से चुनिए, और उनको सही जगह प्लेस कीजिए, लेकिन ज्यादा मत लगाइए, 5 से ज्यादा कीवर्ड नहीं यूज करने चाहिए। बहुत सारे मित्रों के मैं वीडियो देखता हूँ, तो उसमें कीवर्ड जब देखते हैं तो कीवर्ड 20, 15, 20 लगा लेते हैं, तो वो काम नहीं करते। उससे अच्छा है 4 या 5 कीवर्ड लगाइए बस। मैं एक मिनट, मेरा जो नेटवर्क है वो नहीं काम कर रहा है, मैं एक मिनट, मैं इसको एक मिनट, आप शायद कनेक्शन कट गया है इंटरनेट का। हेलो जी, हाँ, वेलकम बैक। मैंने बताया नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और
जी अभी हाँ कंटिन्यू हुए हैं। तो सर मिलेनियर रियल इस्टेट वीडियो डालिए जी, और स्टॉक म्यूचुअल फंड के कोई बुक अंकित यादव जी पूछ रहे हैं, तो मैं आपको कमेंट का इन बुक्स को ढूंढ के और किसके लिए क्या सही रहेगा वो आपको मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूंगा जी। अभी काफ़ी मित्र चले गए हैं, 37 38 हाँ आ रहे हैं, तो ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और तो व्यूज़ की बात कर रहे थे, व्यूज़ के लिए कीवर्ड का ही सबसे बड़ा रोल है, और एक जो थंबनेल हम लगाते हैं उसका भी बड़ा रोल रहता है। थंबनेल में नाम बड़े लिखने चाहिए। हाँ तन्मय जोशी जी, बार बार लाइव डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मेरे एंड से ही है, नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है उस वजह से। ऐसे कितने जो क्रिएटर है आप कितना काम लेते हो और कैसे कैसे? नंदू सिंह बोरा सर, आप कितना काम लेते हो और कैसे कैसे? मतलब सर आप कितना काम काम मतलब मैं नहीं, किस काम की बात कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा दोबारा से लिखेंगे तो आप कितना काम लेते हो और कैसे कैसे, किस चीज़ के लिए? मैं कहानी लिख रहा हूँ तन्मय जोशी जी। ओह नाइस, आप कहानियाँ लिखते हैं, अच्छी बात है। कोई वेबसाइट या कोई चैनल बनाया अपना तन्मय जोशी जी? और शिवम तिवारी जी, मैं 19 का हूँ जी, ये आप 19 ईयर के हैं, बहुत ही एक ऊर्जावान जो स्टेज है उस पे हैं आप, और कुछ सीखने की सबसे बढ़िया एज रहती है ये। सर आप काम लेते हो और कैसे कैसे? सर आप कितना काम कमा लेते हैं? ओके मैं अभी समझा। देखिए ये तो एक वो है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कहते हैं ना कि नहीं पूछने चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो चलो मैं एक आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मान लीजिए YouTube और इससे इंटरनेट के द्वारा एक जो 100 cc बाइक है कोई भी, उसको हर महीने अपन ले सकते हैं। एक 100 cc करें या 120, ये जो पल्सर की जो बाइक आती है आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने की आती है, तो इसके अंदर अभी मामला रहता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और ये एक YouTube ने ना बहुत सारी पॉलिसियां बनाई हुई है, तो ये भी एक इनकी पॉलिसी है कि आप अपनी जो YouTube या Google से जो इनकम है उसको आप शो नहीं कर सकते, आप किसी को दिखा नहीं सकते। तो एक बताने का एक तरीका है, जैसे जो रिसेंटली बीमारी चल रही है उसका हम नाम नहीं ले सकते YouTube पे, अगर चैनल पे वीडियो में उसका नाम लेंगे तो डिमोनेटाइज हो जाएगा वो चैनल, और उसका कुछ भी वो चैनल बंद हो सकता है, वीडियो डिलीट हो सकता है। तो वैसे ही इनकम के बारे में, तो इसके बारे में हम ना ही बोले तो अच्छा है, उसको किसी दूसरे रूप में बता सकते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप शायद समझ गए होंगे। सर आपकी ब्रह्मचर्या यही यानी नो पेपर, क्या समझा नहीं मैं? नहीं वीडियो बनाने परेशानी होती है, कार्टून वीडियो बनाने की सोच सकते हैं जी। हाँ सर 90,000 कमा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, इंडियन पोस्ट जी, तो इंडियन दोस्त, सॉरी इंडियन दोस्त, आप अपना एज्यूम कर सकते हैं। सर टेलीग्राम लिंक, हाँ टेलीग्राम पे लिंक है, उस पे उसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी तो नहीं दे पाऊंगा क्या, अभी नहीं अपडेट कर पाऊंगा मैं जी। सर कुछ न्यू करो, क्या करें आप सजेशन दीजिए, आप बताइए क्या करें। कुछ नया क्या करें? यू आर सो इनोसेंट सर, थैंक यू। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं इनोसेंट, थैंक यू जी। सर भगवान भगवद गीता का ऑडियो बनाए, जयप्रकाश जी
और भाई कैसे हो? जोकर गेमिंग, बढ़िया बढ़िया। हाँ, गेमिंग का काम अच्छा है। तो आप भाई जी, मुझे बुक पढ़ते हुए नींद आती है, क्या करें? गोविंद वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मुझे पढ़ते हुए नींद आती है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? अगर नींद आती है तो सो जाइए, लेकिन लेकिन अगर आप उसमें से नोट्स लेंगे ना, किताब पढ़ते हुए अगर आप नोट्स बनाएंगे साथ साथ, और किताब को डिसाइड कीजिए कि किस लिए पढ़ना है, बिना डिसाइड किए, बिना उसको क्या बोलते हैं, बिना गोल बनाए, अगर हम बिना पर्पस के बुक पढ़ेंगे तो नींद आएगी। हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि ये बुक, इस बुक से मुझे ये चीज़ सीखनी है, और उसके नोट्स बनाएंगे तो नींद नहीं आएगी डेफिनेटली। आप आज ही, और अभी भी आप उसको इसके अपने लाइफ के बाद आप अगर ये प्रयोग करेंगे ना, तो अगर नींद आई तो आप मुझे बताना कि भी मुझे नींद आई, लेकिन मेरा ये पक्का दावा है कि आप अगर उसके नोट्स लेंगे साथ में ना, तो नींद नहीं आएगी। क्योंकि अकेली रीडिंग से ना बोर हो जाते हैं हम, अगर आप लगातार कोई ऑडियो बुक भी सुनेंगे ना, तो उससे भी बोर हो जाएंगे, नींद आने लगेगी। और बहुत सारे मित्र मेरे को ये मैसेज भी करते हैं कि सर आपकी बुक आवाज़ अच्छी है, लेकिन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, ये सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो ये स्वाभाविक है और ये हमारी नेचुरल आदत है। सर, आप हिसाब से बेस्ट बुक्स कौन सी है? बुक सभी बेस्ट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रिच डैड पुअर डैड सबसे अच्छी बुक है, बिजनेसमैन के लिए। और जो जो बिजनेस करते हैं या अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है। और रिलेशनशिप के लिए उसमें जो काम आती है वो आती है अपनी जो बुक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की जो बुक है लोक व्यवहार। मनोज पोडल जी कहते हैं कि फॉर 18 ईयर स्टूडेंट्स के लिए, 18 ईयर स्टूडेंट्स जो है, 18-20 तक जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको अपना काम तय कर लेना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में काम करना है, मुझे क्या काम करना है, और फिर बाकी सब उसी के संबंधित पढ़ाई करनी शुरू कीजिए। आपको अपना एक लक्ष्य है, लक्ष्य मतलब क्या है कि मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, और रास्ता कौन सा, वो रास्ता चुनना पड़ेगा। टीचिंग के लिए बुक, टीचिंग के लिए बुक तो आपकी लोक व्यवहार टीचर्स के लिए सबसे अच्छी बुक है, जो उसमें कैसे अपनी बात को आगे तक पहुंचाना है, और सामने से उस बात का मतलब समझना, उसको कैसे, जब तो इसके लिए तो लोक व्यवहार बुक सबसे अच्छी बुक है। सर, माइंड को शांत करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए आपको ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है उससे रिलेटेड सोचते रहिए, और टेंशन नहीं लेनी। किसी भी चीज़ की टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। जब भी ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा परेशानी हो, तो काम कीजिए अपनी लाइन का, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, टेंशन गायब हो जाएगी। टेंशन काम की रहती है और पैसे की रहती है, दूसरी जो फैमिली में या कुछ और भी टेंशन जो रहती है ना, तो जब भी टेंशन हो अपने आप को काम में बिजी कर लीजिए, आपकी टेंशन गायब हो जाएगी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, तो मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ, पहले मैंने चार्ज नहीं किया, तो अभी मुझे ये बार बार मैसेज दे रहा है कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है, तो मैं फ़ोन से लाइव कर रहा हूँ। 1 मिनट, आप 1 मिनट वेट करेंगे? मिल गया चार्जर, यहीं पड़ा था, मैं ढूंढने गया, मेरा चार्जर मिल गया जी। कहाँ लगेगा इसको? लग तो गया, लेकिन इसको मैं रखूँ कैसे? ऐसे रखूँ? हाँ,
करते हैं। जी हाँ, यूएसबी पोल न्यूज़ क्या बोल रहा है ये? नो डाटा ट्रांसफर, रोटेट डिवाइस। एक मिनट, मुझे थोड़ा अब मैं इसको पकड़ के ही रखता हूँ हाथ में, तभी ठीक रहेगा ये। सर क्या आप पहले क्वेश्चन सेशन है? पहला नहीं है मेरा, ये दूसरा है, लेकिन मुझे बस आपसे बात करनी थी इसलिए इसका नाम रख दिया क्वेश्चन आंसर। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, बस खाली मेरा बात करने का मूड था आपसे कि बुक शुरुआत करें। सर किस बुक से? मोहम्मद नावेद लिखते हैं, पूछते हैं कि लिख रहे हैं कि किस बुक से शुरुआत करें। आप लोक व्यवहार से शुरू कीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। व्यवहार बुक है उससे शुरू चाहिए, तो वो सबसे ठीक रहेगा, उससे शुरू करना। आर यू कॉपीराइट इश्यू? जी हाँ, कॉपीराइट का इश्यू तो बिल्कुल रहेगा सर। या हार्टली वेरी वेरी मच थैंक्स टू यू सर। SAI लिखते हैं, आर्स लिस्टिंग, मैं आपके बुक्स पढ़ता हूँ, अच्छी लगती है, थैंक यू सर। मैन सर्च फॉर मीनिंग का ऑडियो अपलोड कीजिए। जी मनोज कौशिक जी, बेबीलोन की तरह बुक डालो। विमल शुक्ला जी कह रहे हैं कि बेबीलोन की तरह बुक डालो, डाला करो। ठीक है जी, दैट्स गुड। राहुल को ठीक है, बुक्स कैसे पढ़ें? इलियास अहमद जी कह रहे हैं कि बुक्स कैसे पढ़ें? बुक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बुक्स की कौन सी पढ़नी है और किस लिए पढ़नी है। बिना पर्पस के बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये हज़ारों बुक्स पढ़ लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला। तो सब बुक्स को पढ़ने के लिए पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये बुक पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। और फिर आप जब बुक पढ़ें तो साथ में, और ये सबके साथ ही रहता है कि बुक्स पढ़ना बड़ी दिक्कत रहती है सबको, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहती है। सर अगर और कौन सा वीडियो बनाएंगे? मैं अभी तो ये जो एटॉमिक हैबिट है इसी पे बना रहा हूँ बुक्स, तो एटॉमिक हैबिट पे ही अभी इसको मैं कंप्लीट करूँगा, थोड़ा जल्दी करता हूँ। सर होम टूर करवाओ अपने घर का। जी बिल्कुल करवाऊंगा मैं होम टूर। आपने ये बहुत अच्छा मुझे सुझाव दिया है कि जैसे व्लॉग टाइप ना, आप कुछ कुछ चीज़ें करना चाहिए। सही है, एक आइडिया मुझे अच्छा मिला ये। सर आगे और कौन सा वीडियो बनाएंगे? जी यही अपने इसी का, एटॉमिक हैबिट के बारे में। एटॉमिक हैबिट बुक पूरी ऑडियो बुक कब मिलेगी आपको? लगभग 15 से 20 दिन में, 15 से 20 दिन, 2 हफ्ते लग जाएंगे एटॉमिक हैबिट बुक को आप तक पहुंचाने में। श्री देश पांडे जी ने पूछा है भी कितने दिन है। चैनल पे पहले की ऑडियो बुक्स क्यों डिलीट कर दी? शंकर मेयर, शंकर जी लिखते हैं क्यों डिलीट कर दी? तो भाई साहब ये मेरी नई मर्जी थी, लेकिन यूट्यूब ने डिलीट करवा दी मुझे, क्योंकि एक पॉलिसी है उनकी रीयूज कंटेंट, उसके तहत वो मोनेटाइजेशन नहीं करते, मोनेटाइज नहीं करते फ़ोन को। ए आपने, सॉरी यार, ये बार बार मुझे फ़ोन नहीं दे, चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए बस आपसे बात करनी थी, और आपके आपसे बात हो गई, आप सबके दर्शन तो मैसेज में हो गए हैं। तो शाम को 8 बजे हम लाइव होंगे, तो एक जो बुक्स पे, बुक्स के सेगमेंट कौन कौन से हैं, किस लिए कौन सी बुक पढ़ें तो अच्छा रहेगा, तो इस बारे में शाम को 8 बजे हम बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 8 बजे शाम को हम सब मिलेंगे और आप भी होंगे तो अच्छा लगेगा। सर मैंने 200 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, क्या मैं अपने एजुकेशन चैनल बना? बिल्कुल बना सकते हैं आप,
आपका नाम है, एक मिनट, मेरे हर्षवर्धन वैद्य, हर्षवर्धन वैद्य लिखते हैं कि 200 बुक्स पढ़ी है, और क्या मैं एजुकेशनल चैनल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं आप, और चैनल बनाना ही चाहिए। अगर हमें कुछ, हम कुछ किसी को सिखा सकते हैं ना, तो बिल्कुल चैनल बनाना चाहिए और सिखाना चाहिए। लेकिन चैनल वही जो हमें अच्छा लगे उस पे सिखाना, वही चाहिए जो हमें खुद सीखना अच्छा लगे, सिखाना अच्छा लगे। कई बार क्या है कि हम कोई टॉपिक जो लेटेस्ट होता है उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो फिर चैनल धीरे धीरे वो हमें मतलब उसको हम आगे बढ़ा नहीं पाते, बहुत स्लो ग्रो करता है। तो एक ही टॉपिक रखिए, चैनल बनाइए, और जिससे आप, जिस काम से आप प्यार करते हैं वो काम आप कीजिए, वो आप बताइए। सर, टॉप 5 बुक्स फॉर सेल्फ हेल्प रिकमेंडेशन। सतीश, सतीश जी, हम शाम को इस बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल से बात करेंगे पूरी। तो कौशल कुमार जी, लव यू सर जी, थैंक यू, लव यू जी, सेम टू यू सर जी, यू गेट हिंदी ऑडियो बुक। सर, ऑडियो चैनल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? जेपी कोड्स, कोड्स क्या बोलते हैं इसको, मुझे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, चैनल है, उन्होंने पूछा है। तो ऑडियो बुक के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, कोई कॉपीराइट कंटेंट मत डालिए, और जो बुक में लिखा है उसको एज इट इज मत डालिए। एज इट इज अगर उसको बुक को डालेंगे ना, तो ये रीयूज कंटेंट पॉलिसी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, यूट्यूब ने जो अपलोड ये पॉलिसी लगाई है, तो ये प्रॉब्लम देगी। आपकी ओल्ड बुक सुनी हो तो कैसे सुने, सुननी हो तो कैसे सुने? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सुन सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप सुन सकते हैं। राजेंद्र दुबे जी कह रहे हैं, सर यू आर रिस्पेक्टेड एज पीपल लाइक सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा, यू आर रिस्पेक्टेड एज, सर यू आर रिस्पेक्टेड एज, थैंक यू। बाकी वो बहुत बड़े लोग हैं और बहुत ही क्या बोले, इस मामले के मास्टर लोग हैं वो, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा, अच्छी बात है, आपका प्रेम है, प्यार है ये, थैंक यू। तो कल शाम को 8 बजे बात करते हैं, अभी मैं लाइव सेशन बंद करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जो आपने मुझे तुरंत टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो और 527 रुपये ये मुझे सुपर चैट से मिले हैं, आप में से किसी दोस्त ने इनको किया है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स, ओके बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मज़े कीजिए, आज छुट्टी है और इंडिपेंडेंस डे है, तो और कुछ नया कीजिए, थैंक यू।